जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर यूं तो रोज नई नई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब एक और नई चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप सब भी दंग रह जाएंगे। लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में कई बड़ी जांच एजेंसी, जो कि भारत देश की जानी मानी जांच एजेंसी में गिनती की जाती है, वो लगातार नए खुलासे कर रही है, लेकिन उन खुलासों से देश अभी सहमत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ ऐसे बड़े सुराग मिलने बाकी हैं जिनका इंतजार पूरे देशवासियों को। लेकिन दोस्तों, अब डालते हैं एक और बड़ी खबर पर नजर जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर से ये बात कही गई है कि जरूर सुशांत सिंह केस में कुछ ऐसा बड़ा सुराग है जिसका अभी सभी को इंतजार है। क्या खुलासा कब होता है, इस बात को लेकर ये बात जानने में सभी की दिलचस्पी है। साथ ही आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में लगातार गिरफ्तारी हो रही है, जिसके साथ ही गिरफ्तारियों के साथ देश को इस बात की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उन लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले की साजिश को, अपराध को अंजाम बड़ी ही आसानी से और सूझबूझ से दिया था, क्योंकि देश इस बात को जानना चाहता है कि आखिर 14 जून 2020 के दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की रिलेशनशिप से जुड़ी है, जो कि रिलेशनशिप की कहानी को पूरी तरीके से बयां करती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या, कब और कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने अब तक देखा होगा अंकिता लोखंडे किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को लेकर कई बड़े खुलासे करती नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, आपने इस बात को गौर नहीं किया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती के अलावा एक और गर्लफ्रेंड थी जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर और हर तरफ काफ़ी सुनने को मिली थी, वो थी कृति सेनन। लेकिन बात करें दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की इंडस्ट्रीज में कदम रखने के बाद पहली गर्लफ्रेंड की, तो वो थी अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे से उनसे प्यार की शुरुआत जब हुई थी, जब वो 2009 में पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले थे, यहीं पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी। यहीं से इनकी बातें प्यार में कब बदल गई इनको पता नहीं चला था। इसके बाद इन दोनों की जोड़ी काफ़ी सुपरहिट लगने लगी, लोगों को काफ़ी पसंद किए जाने लगे। ऑन ईयर भी काफ़ी पसंद किए जाते थे, ऑफ ईयर भी काफ़ी पसंद किए जाते थे, यानी कि छोटे पर्दे टीवी सीरियल्स में भी काफ़ी पसंद किए जाते थे, और रियल लाइफ में भी फैंस ये चाहते थे कि ये दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें, जहाँ कुछ लोग इन्हें सिर्फ मानव और अर्चना के नाम से जानते थे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जब से सुशांत सिंह राजपूत केस में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामले जुड़ते हुए नजर आए हैं, वो सारे आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पे, जो सुशांत सिंह राजपूत की हालिया गर्लफ्रेंड थी। उनके बारे में भी यही बात कही जाती है कि उनकी पहली मुलाकात एक ऐसी पार्टी में हुई थी या फिर एक ऐसे सेट पर हुई थी जहाँ पर ये दोनों आपस में मिले थे, और रिया चक्रवर्ती की एक खास दोस्त ने सुशांत सिंह से इनकी मुलाकात कराई थी। सुशांत सिंह को रिया चक्रवर्ती पहली नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती का कुछ और ही मकसद था जो उनके दिमाग को अलग लेवल पर ले जा रहा था, और साथ ही साथ ये बात भी साबित कर रहा था क्यों सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ इतना घुल मिलना चाहते हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने भी उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाई और धीरे धीरे उनका प्यार बदलता गया। उनका धीरे धीरे एक प्यार रिश्ते बदलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती सब जानती थी कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने ये बात मीडिया में नहीं आने दी कि वो सुशांत सिंह से प्यार करती थी, जिसके चलते सभी लोग इस बात को लेकर कयासे लगाने लगे थे कि सोशल मीडिया पर कि रिया चक्रवर्ती, कृति सेनन, सारा अली खान या फिर अंकिता लोखंडे किसके साथ सुशांत सिंह राजपूत रिलेशनशिप में है। जी हाँ दोस्तों, इसमें नाम शामिल हुआ है सारा अली खान का। तो आपको उनके बारे में बता दें कि जब फिल्म केदारनाथ की शूटिंग हो रही थी, तब हमें देखने को मिला था इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद की जा रही थी, लेकिन उसी समय एक ऐसा मामला सामने आया था जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत अंदर से काफ़ी टूट गए थे, क्योंकि 2018 में भी शूटिंग चल रही थी फिल्म दिल बेचारा की, जो कि किजी बासु, और आपने देखा होगा फिल्म में किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत ने एक बेहतरीन रोल निभाया था, जो कि उनके निधन के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई और उनकी अंतिम फिल्म साबित हुई। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये फिल्म 2018 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन किसी खास कारणों के चलते इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया था। जहां पर उनके निधन के बाद इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, तो फैंस ने एक इतिहास बना दिया जहां पर एक दिन में सबसे ज़्यादा देखी जाने फिल्म और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया था ये एक ही दिन में। लेकिन बात करें सारा अली खान और सुशांत सिंह के रिश्ते के बारे में, तो इनका रिश्ता वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन सारा अली खान के परिवार वाले, जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर और बाकी परिवार के सदस्य, ये नहीं चाहते थे कि सारा अली किसी ऐसे एक्टर के साथ रिलेशनशिप में आए जो कि इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात ना रखता हो,
यानी कि एक आउटसाइडर हो, जिसको लेकर सारा अली खान लगातार इस बात के लेकर दबाव में थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत से दूरियां बना ले। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक जाने माने मंझे कलाकार थे, लोग उनको पसंद करते थे, उनकी अदाएँ पसंद करते थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट पसंद करते थे, जिसके चलते सारा अली खान भी उनकी इन बातों पर फिदा हो गई थी। लेकिन अब जब सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल जुड़ा है, तो ये बात भी सामने आई है कि सुशांत सिंह के फार्म हाउस पर सुशांत सिंह कई पार्टियों में जाते थे, जहाँ पर उनके साथ सारा अली खान मौजूद रहती थी, उसमें रिया चक्रवर्ती का साथ देती थी ड्रग्स के नशे में सारा अली खान। इस बात के सामने आने के बाद से ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं, क्योंकि सारा अली की इस हरकत के जानने के बाद सभी लोग इस बात को लेकर उठाने लगे हैं कई सवाल कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में क्या नशे का ही धंधा होता है, जिसके चलते सभी बॉलीवुड एक्टर जो बाहर से इतने खूबसूरत दिखते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से उनका इतना घिनौना चेहरा है कि अपने आप को संभालने के लिए उनको नशे की आदत लगाना पड़ता है। इस बात को लेकर फैंस काफ़ी निराश हैं। लेकिन अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार शुरुआत से ही कई बड़े खुलासे करती नजर आई है, जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे सबकी चहेती बनी हुई हैं, अब तक की उन गर्लफ्रेंड में से जो सुशांत सिंह के काफ़ी करीब रही थी। सुशांत सिंह के करीब वो करीब 6 साल से लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थी, जिसके बावजूद सुशांत सिंह को वो बेहतरीन तरीके से जानती थी, उनकी रग रग से वाकिफ थी। लेकिन सुशांत सिंह ये नहीं चाहते थे कि वो जल्द से जल्द रिलेशनशिप को शादी में बंधन बदल दे, जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे से उन्होंने ब्रेकअप करना सही समझा था। और अंकिता लोखंडे एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने उस समय सुशांत सिंह राजपूत की भलाई ही चाही थी, फिर वो चाहे उनके पास रहकर भलाई मिलती या फिर उनसे दूर रहकर। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत से दूर रहने के बाद अंकिता लोखंडे ने अपने आप को बड़ी ही मजबूती से संभाला था, जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे मन से काफ़ी दुखी थी। और सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था तो उनकी जितने भी गर्लफ्रेंड सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, कृति सेनन और अंकिता लोखंडे, उनमें सबसे ज़्यादा दुखी कोई थी तो वो थी अंकिता लोखंडे, क्योंकि वो जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत एक कैसा लड़का था और किस प्रकार से सभी के दिलों में जगह बनाता था, जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे काफ़ी निराश थी। लेकिन बात करें रिया चक्रवर्ती को लेकर, तो रिया चक्रवर्ती की साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद से ही सभी लोग उन पर जिस प्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि रिश्ता नहीं, यह एक ऐसी साजिश थी जिसको रिया चक्रवर्ती ने बड़ी आसानी से अंजाम तक पहुंचाया। और आज नतीजा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत हंसता खेलता चेहरा हम सभी के बीच मौजूद नहीं है, और लगातार उसकी चर्चाएं बीते 4 महीने से हो रही हैं, जिसकी वजह से सुशांत सिंह केस में इतने ज़्यादा खुलासे हुए और ड्रग्स मामले में लगातार बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं का गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन केस में आगे और गुत्थी जैसे जैसे सुलझेगी, वैसे वैसे कई और नाम जुड़ते जाएंगे, कई और कड़ियाँ जुड़ते जाएंगी, जिसके बावजूद हमें देखने को मिलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार और कई बड़ी हस्तियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इसमें दिशा सालियान केस का भी नाम जुड़ चुका है और इससे जुड़े कई बड़े चेहरे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह के रिश्ते की, तो वो काफ़ी साफ था, उसको साफ तरीके से देखा जाता था, सोशल मीडिया पे हर तरफ उनकी चर्चाएं थी। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत का रिश्ता भी केदारनाथ फिल्म तक ही सीमित था, जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, हिट हुई, उसके बाद उनका रिश्ता भी वहीं समाप्त हो गया था। लेकिन ज़ाब्ता फिल्म की शूटिंग के दौरान कृति सेनन और सुशांत सिंह काफ़ी नज़दीक आए थे, लेकिन आखिर उनके रिलेशनशिप टूटने की वजह क्या थी और उनका रिलेशनशिप क्यों हुआ था, इस बारे में आज अपनी इस वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से बता दें कि किस प्रकार से NCB लगातार ड्रग्स एंगल पर जाँच कर रही है। लेकिन आप सभी को बता दें किस प्रकार से सुशांत सिंह के एक करीबी दोस्त ने सुशांत और कृति सेनन के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन हो रहे नए खुलासे के बीच एक्ट्रेस लीजा मलिक ने कृति सेनन को भले ही मना करते हुए, लेकिन वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, यानी सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस बात को लेकर लीजा ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। लीजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों साथ में खुश दिखते थे। लीजा का सुशांत से प्रोफेशनल रिलेशन था, ना कि कोई ऐसा पारिवारिक। उन्होंने बताया कि दोनों का एक बर्थडे में पार्टी में काफ़ी खुश देखा गया था। लीजा ने यह भी बताया कि वो सुशांत से काफ़ी करीब थी और 2.5 साल पहले उनसे मिली थी, तभी वे कृति सेनन के साथ थे। कृति की बर्थडे पार्टी थी, बांद्रा क्लब में सेलिब्रेशन था। सुशांत हमेशा से ही एक चार्मिंग इंसान थे, जो किसी को भी पहली नज़र में पसंद आ जाते थे और जो किसी पार्टी में जाकर लोगों के चेहरे पर स्माइल भी लाते थे। हमारे कई कॉमन फ्रेंड्स थे, जैसे महेश शेट्टी, उन्होंने बताया कि लीजा ने बताया कि वह मस्त और प्यारे इंसान थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सटीक था और हमेशा जोक सुनाकर माहौल बनाए रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि सुशांत और कृति सेनन उन्हें कपल जैसे क्यों लगते थे, इस पर लीजा ने एक अच्छा जवाब दिया था, क्योंकि वो कहती हैं कि जब पब्लिक गैदरिंग या कोई बर्थडे पार्टी होता है तो होस्ट हमेशा बिजी रहता है, इसलिए कृति पार्टी में गेस्ट लोगों को अटेंड कर रही रहती हैं। लीजा ने कहा था कि उन्होंने देखा था कि सुशांत एकदम खुश थे,
कृति सेनन के साथ डांस कर रहे थे, ड्रिंक ले रहे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे। वो काफ़ी खुश रहते थे कृति सेनन के साथ और अच्छे होस्ट बनने की भी कोशिश करते थे कृति सेनन के साथ। यानी कृति सेनन और सुशांत सिंह का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा था और इनकी जोड़ी, चाहे बड़े पर्दे की बात करें या फिर रियल लाइफ में, इनकी जोड़ी हमेशा ही अच्छी लगती थी। इनके दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी खास लगती थी। लीजा ने आगे ये भी बताया कि भले ही आप चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को यूँ बताएं कि हम डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन स्पार्क से हम समझ जाते हैं। लीजा बताती हैं, अगर कोई असली होस्ट के साथ होस्ट की तरह पेश आ रहा होता है तो कुछ बात तो होती है। यानी कि जहाँ सुशांत और कृति सेनन मिलते थे, वहीं इन दोनों के बीच में आंखों में आंखें कुछ तकरार होती थी, जो इस बात को साबित करती थी कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। दोनों ने 2017 में फिल्म ज़ाब्ता में साथ में काम किया था। उस फिल्म में उनके कुछ ऐसे इंटीमेट सीन थे, कुछ ऐसी केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि बड़े पर्दे के साथ साथ बाहरी दुनिया में भी इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। दोनों को लेकर कहा जा रहा था कि दोनों अक्सर फार्म हाउस पर पार्टी में जाया करते थे, लेकिन कीर्ति सेनन का नाम अभी तक ड्रग्स एंगल में नहीं जुड़ा है, जिसकी वजह से यह एकदम अंकिता लोखंडे की तरह ही साफ बताई जाती है सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाली गर्लफ्रेंड में से। देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान दो ही ऐसी गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी सुशांत सिंह के परिवार के साथ कोई भी तस्वीर नहीं है। अंकिता लोखंडे और कीर्ति सेनन के परिवार के साथ कुछ तस्वीरें हैं जो आप जाकर देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिसके चलते ये बात साबित होती है कि सुशांत सिंह के सबसे ज़्यादा करीब रहने वाली गर्लफ्रेंड में नाम थे तो वो थे अंकिता और कृति। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जब अपने रिलेशनशिप को किसी रिश्ते में बदलने की कोशिश में थे, तब उनके सामने थी रिया चक्रवर्ती, जिसकी वजह से सुशांत सिंह का ये पासा उल्टा पड़ गया और रिया चक्रवर्ती की साजिश से कामयाब हुई, जिसकी वजह से आज नतीजा ये है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हम सब फैंस यही चाहते हैं कि बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द से जल्द खुलासा हो और जितने भी ड्रग्स एंगल में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो। # जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ख़त्म कर दें ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत फिर से नेक्स्ट नाइन लाइफ में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देखते रहें हमारी अन्य वीडियो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट। दीपक की रिपोर्ट।